हेलो नमस्कार, मैं हूँ योगेश शर्मा और रोशन ऑफ द इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो युवा, जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या अपनी सपने, अपने ख्वाबों को पूरा करने के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं पूरी दुनिया से अलग, अपने आप को एक अलग ही दुनिया में सजे हुए, और उनके कुछ जो भाव जो मन में उठते होंगे वो शायद मैंने कोशिश करी कि उन भावों तक मैं पहुंचूं और उन्हें एक शब्द या जुबान देने का प्रयास करूं। तो आइए, उनको मैंने कुछ जुबान देने के शब्दों के रूप में उन्हें बयां करने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ, कि कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। ये उन एस्पिरेंट्स के, उन अभ्यर्थियों के ये सपने हो सकते हैं, उन अभ्यर्थियों के शब्द बन सकते हैं जो लाखों, जो बहुत दिनों से अपने सपनों को पाने की चाहत में बहुत अपने घर से अलग और पूरी अलग ही दुनिया बनाए हुए हैं और पूरे दिन रात जाग रहे हैं, रातों को जाग जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। तो उस उद्देश्य के साथ उनके ये शब्द, ये मैंने अपने भाव में इनको लिखने का प्रयास किया कि कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से कि कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ और कहीं छूट ना जाए दामन उसका मेरे हाथों से, कि कहीं छूट न जाए दामन उसका मेरे हाथों से, इसीलिए गुजरते वक्त को पकड़ने भागता रहता हूँ। और मैं कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ, मैं कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। और मैंने पेश किया इसमें कि उसे पाने के एहसास को अपने दिल की खिड़की से, कि उसे पाने के एहसास को अपने दिल की खिड़की से एक नज़र से यूं ही बस ताकता रहता हूँ। कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ, कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। और उनकी जो प्रार्थना हुआ होती होगी, उनकी जो प्रेयर जो भगवान से होती होगी, वो किस प्रकार करते होंगे, मैंने इस तरीके से सोचने का प्रयास किया कि सागर से पार न करना पर करने का साहस देना, कि सागर से पार न करना पर करने का साहस देना, कि सागर से पार न करना पर करने का साहस देना, उस विधाता से बस मैं यही मांगता रहता हूँ। कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ, कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि जब घर से निकलूंगा ही नहीं तो कुछ बनूंगा कैसे, कि जब घर से निकलूंगा ही नहीं तो कुछ बनूंगा कैसे, बस इसी आस में दहलीज को घर की लांघता रहता हूँ, बस ऐसी आस में दहलीज को घर की लांगता रहता हूँ। मैं कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ, मैं कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में सारी रात जागता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द ओशन ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू।